तो धोबी थोड़ा पीछे हुआ। इसके बाद जब धोबी ने देखा कि यार ये वाला भी गठरी वठरी हटा के और रोवा झटक रहा है ना, अपना शेर फुलाया ऐसे और जैसे दहाड़ मारा धोबी साहब गायब। तो समझिए आप लोग एक शेर हैं, कुंजपुर के रहने वाले सभी लोग शेर हैं, लेकिन धोबी कौन है जो बांधे हुए है बीड़ी तंबाकू गांजा ये अपना दारू ये नशा, ये आपका धोबी है जो आपके ऊपर बांधे हुए है कपड़े और लाद कर ले जा रहा है, बांधे लिए चला जा रहा है और लेके चला रहा है। तो आप लोग केवल तीन चीज जान पाए हो, खाना है ना, खाना है और फिर उसके बाद पाखाना है ना? खाना और पाखाना और मौका मिले तो सो जाना, बस इसके अलावा तीन के अलावा हम लोग कुछ नहीं सीख पाए। तो इस तरह से कुंजपुर को आगे नहीं ले जा सकते। क्या कुंजपुर से आप नहीं चाहते हो कि एक छोटा सा बच्चा जो आज यहाँ पे खड़ा है वही जाके प्रधानमंत्री बने? आप लोग नहीं चाहते हो? चाहते हैं, है ना? एक छोटे से गांव से ही तो आपका प्रधानमंत्री जो बैठे हुए हैं आज, छोटे से गांव से, आपसे भी ज्यादा गरीब गांव में रहने वाला व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बना है। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, आपसे भी गरीब रहने वाले थे। तो ये सब बहुत गरीब लोग जब इतने आगे पहुंच सकते हैं तो हम लोग तो उनसे बहुत अच्छे हैं। झाड़ू पोछा करने वाले माता पिता के बेटा है मोदी जी, झाड़ू पोछा करने वाले। आप में से कोई किसी के दूसरे घर में झाड़ू पोछा करने जाते हो क्या? नहीं जाते ना, इसका मतलब उनसे अमीर हो। तो ये आपको महसूस करना होगा कि आप कुछ भी कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन करना क्या होगा, नशा छोड़ना होगा। नशा को जो उल्टा करके आप लोग टांगे हो ना अपने घरों में, नशा लिखा उल्टा करके टांग लिया, शान लग रहा है, शान ते शान नहीं नशा। अगर कोई आजकल बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, तो उसको मेरी नजर में, मेरी जैसे अच्छे लोगों की नजर में, उसको चिरकुट बेवकूफ मूर्ख जो भी कहना चाहो, वो मैं समझता हूँ मूर्ख समझता हूँ उसको, वो मनुष्य मैं नहीं समझता कि वो मनुष्य है। अब कोई कर रहा होगा तो क्षमा करना, लेकिन मैं इतना इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मुझे चिंता है इन बच्चों के बारे में। ये बच्चे बेचारे कहाँ फंसे हुए हैं, आप जैसे उन नशेड़ियों के बीच में, उन मूर्खों के बीच में जो कि अपने घर को नहीं सुधारना चाहते। आप क्या चाहते हो, कोई बाहर बाहर से उठा उठा के कॉलोनियां फेंकता रहेगा? कब तक मोदी आता रहेगा कॉलोनी फेंकता रहेगा? कब तक आप हाथ फैलाते रहोगे कि हाँ भाई लैट्रिन फेंक दो है 15,000 की, यही आप मांगते रहोगे? आप नहीं खड़े होना चाहते खुद भैया, ये दर्द आपको महसूस होना चाहिए। और मैं कोई चुनाव लड़ने नहीं आ रहा, मेरा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं मैं, यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा मैं, मुझे वोट मत देना प्रधानी के लिए, मैं प्रधान बनने का भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं इंसान बनाना चाहता हूँ। अगर हम दो हाथ दो पैर नाक कान दिख रहे वाले अगर सब इंसान हो जाते ना तो इंसानियत कायम होती, सब लोग एक दूसरे से प्रेम कर रहे होते, दूसरे का टमाटर न चुरा रहे होते। मौका मिलता है अपने बच्चों को यहाँ पे गुटखा तंबाकू सिगरेट सिखाने वाले मिल जाएंगे, ये इंसान है क्या? भेड़िए हैं जो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। आप महसूस करते हो कि नहीं? सोचते हैं ये दूसरे का घर का बच्चा है, कहीं दूसरे घर का नहीं है, ये बच्चा बर्बाद होगा। और इस तरह के आपने 10 बच्चे बर्बाद कर दिए अगर ना, तो बाद में फिर घूमते फिरते अगली पीढ़ी आपका नंबर है। तो भैया कुंजपुर को बढ़िया पवित्र नाम जिस तरह से है, खुशबू फैलाने वाला नाम, इसको खुशबू वाला बनाओगे कि नहीं? आप लोग सब लोग बोलिएगा, क्या कुंजपुर की जय नहीं बुलवाना चाहते आप लोग? हैं? तो कुंजपुर की जय तभी होगी जब यहाँ पे आज से सब लोग कोशिश करें, कम से कम जिनके घर में बच्चे हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिनके घर में आल औलाद है, भविष्य है, वो कम से कम नशा छोड़ दे भैया, क्योंकि वो अपने घर में तो सुधारे। तो क्या हमें लगता है सब घर ऐसे लोग खड़े होंगे जिनके यहाँ बच्चे हैं?